अस्सलाम वालेकुम गाइज़। गाइज़ आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो सर्टिफिकेशन से रिलेटेड है। जैसा कि अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड हैं या हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड नहीं भी हैं, अगर आपका प्लान है हेल्थ एंड सेफ्टी की फील्ड में आने का, तो आपने रिसर्च किया होगा। सो आपने कुछ सर्टिफिकेशन के बारे में, जैसे निबोश हो गया, बड़ी पॉपुलर सर्टिफिकेशन है। इसके साथ साथ एक ASP एंड CSP सर्टिफिकेशन जो है उससे रिलेटेड मैं आज डिस्कस करूंगा। स्पेशली मैं कवर करूंगा आज के लेक्चर में, आज का जो टॉपिक है वो मेरा होगा ASP से रिलेटेड। अभी ASP है क्या? ये क्या है? एसोसिएट सेफ्टी प्रोफेशनल, एक सर्टिफिकेशन है जो के ऑफर करता है बोर्ड ऑफ सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल USA। वो जो ऑफर करता है ASP, CSP, SMS, इसके बाद OHST, STS, इसके अलावा बहुत सारी सर्टिफिकेशन वो ऑफर करते हैं, लेकिन बहुत कॉमन जो है, जो वेल नोन है, वो उसमें ASP एंड CSP आती हैं। सो ASP की क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायरमेंट्स को पूछिए, ये सारी आज में, और उसका एग्जाम किस तरह होता है, उसका जो स्टडी मटेरियल है वो किस तरह का होता है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा आज के लेक्चर में। अगर आज की वीडियो आप पूरी देखते हैं तो एटलीस्ट आपको ASP से रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। सो सबसे पहले अगर बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो बोर्ड ऑफ सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल है उसने जो ASP के लिए प्रॉपर एक क्राइटेरिया सेट किया है, अगर कोई भी पर्सन इस क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है तो वो ASP की सर्टिफिकेशन ले सकता है। उसमें क्या है, सबसे पहले क्या आ जाता है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो मिनिमम जो है 16 ईयर्स एकेडमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मीन्स आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए या आफ्टर FSC या इंटरमीडिएट आपके पास 4 ईयर जो बैचलर डिग्री है वो होनी चाहिए। मीन्स टोटल जो है आपके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है 16 ईयर्स होनी चाहिए। इसके बाद एक्सपीरियंस की जब बात करते हैं, क्योंकि ये जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है ये फिर वो ऑडिट करते हैं प्रॉपर, उसका ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अटेस्टेड होनी चाहिए। इसके बाद एक्सपीरियंस जो है ASP के लिए 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें 50% जो है हेल्थ एंड सेफ्टी फॉलो हो रही हो, वहां पे आपका मिनिमम जो है 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि वो मांगते हैं आपके पास। उसको रिटन प्रूफ होना चाहिए, आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आपका एम्प्लॉयर है या आपका मैनेजर है वो सर्टिफिकेशन देगा आपको कि ये पर्सन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रोजेक्ट में काम कर किया है उसने 1 ईयर के लिए, या आपके पास मोर देन 1 ईयर है तो उसका ऐसा आपको बेनिफिट एकेडमिक इसमें कवर नहीं होगा, लेकिन मिनिमम 1 ईयर है तो तब भी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। अब इसके बाद आती है एप्लीकेशन प्रोसेस। मींस इसमें बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमने उसको अप्लाई कैसे करना है। एप्लीकेशन जो है उसको वेबसाइट है ऑनलाइन, वहाँ पे जब आप अपना अकाउंट बनाएंगे, खुद को रजिस्टर करेंगे, सो वहाँ पे आप ऑनलाइन इसको प्रोसीड कर सकते हैं। आप वहाँ से उसका मैं कोशिश करूँगा कि लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, ताकि आपको डायरेक्ट उस पे पहुँच जाए, उस पेज पे या उस वेबसाइट पे जहाँ पे आपको प्रोसीड करने में आसानी हो। इसके बाद आ जाता है कोर्स मटेरियल। अभी कोर्स मटेरियल क्या है, ASP की जब बात करते हैं इसके डिफरेंट डोमेन है जो BCSP ने डोमेन में रखा गया है, तो इसके लिए 7 डोमेन होती है टोटल, उसमें डिफरेंट नंबरिंग भी होती है। दैट वाज एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है, फिर इसी तरह ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड भी होता है, इसके अलावा ट्रेनिंग, मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारी चीज़ें इसके डिफरेंट जो है डोमेन होती है, 7 डोमेन होती हैं। सो उन्हीं डोमेन्स को आपने कवर करना है, एर्गोनॉमिक्स हो गया या इसके अलावा भी बहुत सारी, मीन्स टोटल 7 होती है, उसमें आपने कवर करना है ये चीज़ें, फायर एंड प्रोटेक्शन हो गया, फायर प्रिवेंशन प्रोटेक्शन। सो कोशिश करूँगा मैं जो सिलेबस है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आपको ASP, CSP से रिलेटेड जो भी सिलेबस अगर आपको चाहिए PDF फॉर्म में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे मांग सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वो आपसे शेयर कर दूँ। सो इसके बाद क्या है, एग्जामिनेशन डिटेल जो है, एग्ज़ाम किस तरह का होता है, इसका एग्ज़ाम जो है वो MCQs बेस होता है। मीन्स MCQs होते हैं जो क्वेश्चन होते हैं, और एग्ज़ाम जो होता है 200 MCQs होते हैं। सो जो आपने सॉल्व करनी है विद इन 5 आवर्स का टाइम रहता है आपके पास, उसमें आपने 200 MCQs
इसमें कवर करने होते हैं। और जो पासिंग रेशियो होती है, मीन्स जो पासिंग है वो 61% अगर आप मार्क्स लेते हैं तो आप पास होते हैं, एएसबी का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करते हैं। इसके लिए जो है रिक्वायरमेंट है 61% मार्क्स आपको लेने होंगे। इसके बाद जो सर्टिफिकेशन वैलिडिटी है, ये जो है एएसबी या सीएसबी जितनी भी सर्टिफिकेशन बोर्ड ऑफ सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल ऑफर करते हैं, स्पेशली सीएसबी और एएसबी जो है इन, ये 5 ईयर्स के लिए होती हैं। 5 ईयर्स के बाद ये एक्सपायर हो जाती है, आपको रीअपियर होना पड़ता है इसके लिए। सो इसके बाद इसकी एनुअल फी भी आपको पे करनी पड़ती है। अभी फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो स्टार्टिंग में आपने पे करनी है, लेट्स सपोज जैसे मैंने आपको बताया एप्लीकेशन प्रोसेस, वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होगी आप फिल करेंगे, अपने एक्सपीरियंस, अपनी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपकी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है। सो वहाँ पे जब आप एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे फॉर ऑडिट, ऑडिट के लिए, तो आपको $160 जो है वो पे करना पड़ेगा फॉर एप्लीकेशन प्रोसीडिंग के लिए। इसके बाद जब आपकी जो एप्लीकेशन है वो जब एक्सेप्ट हो जाती है वहाँ पे बोर्ड ऑफ सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल जो है वहाँ पे, अगर आपकी एक्सेप्ट हो जाती है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद आपको जो एग्ज़ाम है वो फी $350 आपको पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका जो सेंटर है वो डिसाइड किया जाता है, तो वहाँ पे आपको जाके अपीयर होना पड़ेगा, आपको प्रॉपर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सो गाइज ये था आज का टॉपिक। मैंने सोचा कि एएसपी पे आपको जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपके आपको पहुँचाई है, क्योंकि मैंने इस पर बहुत सारी रिसर्च की है, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से मैं रिसर्च कर रहा हूँ और चेक भी किया है। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है ये एक्सपीरियंस मैंने खुद किए हुए हैं, तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोग जो हैं स्पेशली जिनके पास अगर उनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायो और भी बहुत सारी चीज़ें, फिजिक्स, ये सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व रहती हैं इसमें। बेसिक जो इन्वॉल्वमेंट है वो इसमें होती है, इस एग्ज़ाम में टेक्निकल एग्ज़ाम रहता है। सो गाइज इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।